नया अध्याय। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। यूपी में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू। सीएम योगी ने अस्पतालों का लिया जायजा। लग रही कोवैक्स वैक्सीन। गुरुवार मणिपुर में सीएम नहीं बदलेगी बीजेपी। पार्टी हाईकमान ने लिया फैसला। प्रमोद सावंत ही होंगी गोवा के अगले सीएम। द कश्मीर फाइल्स पर बोले गिरिराज सिंह। कहा बंगाल होगा अगला कश्मीर अगर वहां ममता की सरकार रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पंजाब की राजनीति में आज से नया अध्याय शुरू हो चुका है। भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ ली है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। साथ ही लाखों की संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे हुए थे। वहीं शपथ ग्रहण से ठीक पहले भगवंत मान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा था कि सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटकर कला में शपथ ले रहा है। शहीद भगत सिंह जी की सोच पर पहरा देने के लिए मैं उनके पैतृक गांव खटकर कला के लिए रवाना हो रहा हूं। शपथ ग्रहण करने से पहले का ये ट्वीट जो हमने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश में आज से 12 से 14 साल की आयु के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां की स्थितियों का जायजा भी लिया। तस्वीरें आपके सामने। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर भी आ सकती है, जिसे देखते हुए हमें सावधानी बरतनी और कोरोना वैक्सीन लेने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा और कोरोना वैक्सीन लेने पहुंचे बच्चों से भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। प्रदेश भर में 300 केंद्रों पर यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में 12 से 14 वर्ष की आयु के 84,64,000 बच्चे हैं। प्रदेश में इन सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, जो बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी वेव आ सकती है, उसके लिए सतर्कता और सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। सीएम योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील की और कहा कि सभी अपनी वैक्सीन समय पर लें। तो आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में सुबह से ही वैक्सीनेशन का जो दौर है बच्चों के लिए वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, वहां की स्थिति क्या थी उसका जायजा लिया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि यूपी में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर भी आ सकती है, जिसे देखते हुए हमें सावधानी रखनी भी जरूरी है, कोरोना वैक्सीन लेने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे थे। उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना वैक्सीन लेने बच्चों से बातचीत भी की। जो बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनके अभिभावक वहां पर पहुंचे हुए थे अपने बच्चों को लेकर, जो वैक्सीन लगवा रहे थे और जिन जिन बच्चों को वैक्सीन लग रही थी उनसे भी बातचीत की है। जिन बच्चों को वैक्सीन लग गई थी उनसे भी बातचीत की, उनके अभिभावकों से भी बातचीत की है। तो इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि बच्चों के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। प्रदेश भर में 300 केंद्रों पर ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में 12 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चों की संख्या है वो करीब करीब 84,64,000 है। काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं और प्रदेश में इन सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर आ सकती है, तो इसलिए हमें सावधान सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर बच्चों से मुलाकात की है, अभिभावकों से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि चौथी लहर भी आ सकती है। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? जिस तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से
कोविड के मामले बढ़ रहे थे सबसे पहले, अब कोविड के मामलों में जहाँ पूरी तरीके से फंस गया, उसी के बाद वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है नंबर वन पर है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो अपने जो कार्यशैली है उसके लिए जाने जाते हैं। लगातार जो वैक्सीनेशन है लगातार हो रहा है, कह सकते हैं कि पहले 7 साल के लोगों को किया गया, उसके बाद 21 साल और 18 साल के लोगों को, अब फिर जो है अब कहा जा सकता है कि 12 से 14 साल के बच्चे जो है उनको लगाया जाएगा। किसी भी मामले में कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो, या कि जो वैक्सीनेशन के मामले हैं उनमें कहीं किसी भी तरह से रोका जा सके। हर मामले में उनका साफ उनकी सोच होती है कि जो कोविड के मामले हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, जो चौथी वेव आने का संभावना है, कह सकते हैं चौथी जो फेज आएगी उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, और एक तरीके से जो 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 बच्चे हैं उनसे उनको एक तरीके से सुरक्षित रखा जा सके जिससे कि कोविड जो है उनको छू भी ना पाए। साफ पाया लगता है कि आज जो है सिविल अस्पताल पहुंचे थे वहां पर बिल्कुल शुभम। और इसके अलावा देखिए देखा जाए तो जब वयस्कों को वैक्सीन लग रही थी तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश में लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हुआ है और ये करोड़ों में है। अगर हम आज की बात करें, आज 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग रही है, तो अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग गई है, अगर सिर्फ लखनऊ की हम बात करें तो? जी बिल्कुल, आपको पता है जिस तरीके से वैक्सीनेशन आज किया गया है बच्चों का, और जितने भी बच्चे जो है कहा जा सकता है लाखों में संख्या बताई जा रही है कि जिस तरीके से जो जो कॉलेज हैं जो स्कूल हैं उन जगह पर कैंप लगाया जा रहा है, जो अस्पताल है वहां पर कैंप लगा करके लगातार जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और अब जो है जब जो शाम का अपडेट होगा वो सूचना विभाग के जरिए सामने आएगा कि आखिरकार आज कितने बच्चों को लगाया गया, लेकिन जिस तरीके से हमेशा जो है 20 लाख के आसपास जो है यूपी का रहा है कि 20 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगती थी, अब इस बार भी कहीं ना कहीं इसी फेज को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ेंगे जिससे कि जो जो युवा है, जो छात्र है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से चौथी फेज से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है शुभम, इसके अलावा देखिए अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो जब इसकी शुरुआत हुई थी वयस्कों के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, तरह तरह के सवाल थे। अगर आज की हम बात करें तो आज बच्चों को वैक्सीन लग रही है, अभिभावकों के मन में किस तरह के सवाल हैं, क्या डर है, बच्चे कितने उत्साहित हैं? नहीं जी, जैसा कह सकते हैं जब पहले वैक्सीन लग रही थी लोगों में कहीं ना कहीं भ्रांतियां बन गई थी कि जो जिनको वैक्सीन लग रही है उनको अलग अलग तरह की दिक्कतें हो रही हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन अब जब लोग जागरूक हुए हैं, सरकार ने लोग जागरूकता अभियान निकाला, लगातार लोगों को जागरूक किया, उसके बाद लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वैक्सीनेशन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और लगातार जो वैक्सीन का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं कि 100% लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लोग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके अभिभावक हैं वो खुद बच्चों को ला करके वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जहाँ पर अभिभावक जो है सामने आके अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं जब एक प्रदेश के मुखिया जिम्मेदारी ले बैठे हैं कि जो उनके जो छात्र हैं जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, उसी के साथ अभिभावक भी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगातार लखनऊ में आ रहे हैं और लगातार वहां पर जाकर के वैक्सीनेशन को जो जो अपनी भागीदारी है वो निभा रहे हैं। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी जहाँ पर आज जो वैक्सीनेशन हालांकि पूरे देश में शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर हम बात कर रहे थे और खासकर लखनऊ की जहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे थे, और कहीं ना कहीं क्योंकि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं तो उन्हें उतना पता नहीं होता, वो छोटे होते हैं, तो ऐसे में जो डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया है योगी आदित्यनाथ ने, अभिभावकों को भी समझाने की कोशिश की है और वैक्सीन के प्रति और ज़्यादा सजगता लाने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी डर बना हुआ था, वो डर खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने वैक्सीन ली है उन बच्चों को बकायदा चॉकलेट भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए हैं। वहीं गोवा में प्रमोद सावंत ही एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी आलाकमान ने प्रमोद सावंत को हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि होली के बाद प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में भी बीजेपी ने मौजूदा सीएम बीरेन्द्र सिंह को ही एक बार फिर जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बीजेपी आलाकमान ने मणिपुर में एन बीरेन्द्र सिंह के नाम पर मुहर लगाई है। बीरेन्द्र सिंह जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। एक तरफ जहां फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वही मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि फिल्म देखने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग आज द कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं, वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गांव की चौपाल तक दिखाना चाहिए, यानी कि सिर्फ थिएटर ही नहीं, मल्टीप्लेक्स ही नहीं, चौपालों में भी इस फिल्म को दिखाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया और कहा कि मैं आज कह रहा हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी का भी आज वही रोल है जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का हुआ करता था। बंगाल अगला कश्मीर हो सकता है। अगर बंगाल के हिंदू अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़े तो एक जिला नहीं, वहां दर्जनों जिले हैं। देश के अंदर कट्टरवादिता से खतरा है, हमें मुसलमानों से खतरा कम है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से ज्यादा खतरा है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की पीएम ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में कई बार बनाई जानी चाहिए। वहीं अब विपक्ष ने पीएम के संदेश और अन्य बीजेपी नेताओं को जवाब दिया है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को सवाल करते हुए कहा कि पीएम मोदी सरकार कब तक नफरत और झूठ साझा करने के लिए राजनीतिक अवसर तलाशती रहेगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर वो तलाशते रहेंगे? ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने किया है। और एक बार फिर से द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सोनिया ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आरोप लगा दिया है। ये राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रहे हैं, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही। सोनिया गांधी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया। ऐसे ही कई और रिपोर्ट में भी दावा किया गया है जिसमें बताया गया है कि फेसबुक ने खुद अपने नियम तोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का पक्ष लिया है। गलत जानकारी के चलते देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है। कंपनी इस बात से वाकिफ है लेकिन अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। Of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 18 और 19 मार्च को यूपी में होली की छुट्टी रहेगी। 20 मार्च को रविवार है, उस दिन भी समानता छुट्टी रहेगी। इस तरह कुल 3 दिन यानी कि 18, 19 और 20 मार्च को छुट्टी रहने वाली है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार ने आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 18 मार्च के साथ ही 19 मार्च को होली मनाई जाएगी, ऐसे में दोनों दिन अवकाश रहेगा। दरअसल इस बार होली 2 दिन मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 18 मार्च को होली मनाने की तैयारी है तो वहीं कुछ जगहों पर होली 19 मार्च को खेली जाएगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।
बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के मोइन चौराहे के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एके इलेक्ट्रॉनिक्स ये दुकान ये शोरूम बताया जा रहा था, जिसमें भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई थी। फतेहपुर की बेंद के विधानसभा से अपना दल एस विधायक जय कुमार जैकी ने जीत के बाद विधानसभा के दर्जनों गांव में दौरा किया, जहां समर्थकों ने जीत की बधाई देते हुए मुंह मीठा कराया। तो वहीं स्थानीय नागरिक अजय पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनी है, हम लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और अभिवादन कर रहे हैं। कन्नौज के तीरवा कोतवाली क्षेत्र के अहेर गांव में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई। वहीं महिला के शव को कमरे में छोड़कर ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनाई गई इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई सरकारों ने टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए हाफ डे देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों को केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और अगले दिन फिल्म की टिकट को जमा करना होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भगवंत मान को उनके शपथ ग्रहण समारोह से बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में पंजाब का विकास होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पंजाब के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि उनके कुशल नेतृत्व में पंजाब में तरक्की, भाईचारे और नए नजरिए की फसल खूब लहराएगी। कन्नौज के तीरवा कोतवाली क्षेत्र के अहेर गांव में आज सुबह महिला का शव संदिग्ध अवस्था में घर में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिजन और वहां पर पति पर आरोप लगा रहे हैं हत्या का। उनका कहना है कि राम नरेश की किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर अक्सर उसका महिला से झगड़ा होता था। यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव में कड़ी हार के बाद विपक्षी नेताओं के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते सपा के पूर्व राज्य मंत्री और बरखेड़ा विधानसभा से सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा ने प्रेस वार्ता कर विजय हुए बीजेपी विधायक सहित उनके कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अभद्र भाषा का भड़काव भाषण देने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। यही नहीं, पूर्व मंत्री ने बीजेपी विधायक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सपा के कार्यकर्ता को मामूली विवाद में सांप्रदायिक बनाने सहित भाजपा विधायक के इशारे पर प्रशासन से उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। पीलीभीत जिले की जनता ने विचारधारा के आधार पर हमें वोट दिया। हमारे उन कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों को डराया, धमकाया या उत्पीड़न किया गया है और प्रशासन भाजपा का कार्यकर्ता बनकर आंख मूंद कर बैठा रहेगा तो अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे।
होली का त्यौहार प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। जनपद के चारों जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि शांति एवं सौहार्द कायम रहे, इसके लिए हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन इस तरह की असामाजिक अमानवीय हिंसात्मक घटनाएं तत्काल बंद होनी चाहिए। कन्नौज में होली पर्व को लेकर आज से स्कूलों में छुट्टी हो रही है। वहीं स्कूलों में छुट्टी के बाद स्कूल के बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली की बधाई दी है। और छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे पर अबीर गुलाल जो है वो और ज़्यादा सुर्ख लग रहा था। मासूम बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए हैं और खुशियाँ बांटते हुए नजर आए। देखिए स्कूली बच्चे जो स्कूल की ड्रेस में ही होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्कूलों में आज से छुट्टियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में कन्नौज में बच्चे होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी में जमीनी विवाद में चार लोगों की हत्या का मामला सामने आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक चार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में अब कोतवाली प्रभारी समेत एक दारोगा और एक सिपाही निलंबित किए गए हैं। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सभी दर्शकों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं लालकुआ के बिंदुखत्ता क्षेत्र में। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने लालकुआ विधानसभा से एक बड़े चेहरे को शिकस्त दी और 17,000 वोटों से जो है जीत हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिष्ट जी, बिंदुखत्ता पहुंचे हुए हैं, एक बहुत बड़े चेहरे को आपने जो है हराया, किस तरीके से देखते हैं अपनी जीत को? ये मेरी जीत नहीं है, ये इन सब युवाओं की जीत है, इन बुजुर्गों की जीत है, इन माताओं इन बहनों की जीत है। ये लालकुआ विधानसभा के हर गरीब की जीत है, ये लालकुआ विधानसभा के हर मजदूर की जीत है, ये लालकुआ विधानसभा के हर व्यक्ति की जीत है जिसको ये लगता है कि हमारे बीच का व्यक्ति हमारी सेवा करेगा, हमारे बीच में रहेगा, जब चाहेंगे तब हम उसके पास जाएंगे। और जिसने लगातार निरंतर इतने वर्षों तक हमारे बीच में रह के हम लोगों की सेवा की है, हमारा सहयोग किया है, ये उन सब लोगों की जीत है। ये केवल लालकुआ विधानसभा के लोगों ने, ये पूरे उत्तराखंड में ये संदेश दिया है कि निरंतर अगर आपकी किसी क्षेत्र में बने रहें, वहाँ के लोगों की सेवा करें, तो कितना बड़ा चेहरा हो चाहे कुछ भी हो, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। किन मुद्दों पर कार्य करेंगे, क्योंकि विकास के कई कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, डबल इंजन की सरकार में भी हैं, पूर्व में कांग्रेसी सरकार भी रही थी, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कार्य होना है, किस प्रकार कार्य करेंगे? हमारी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत सारे जनकल्याण के कार्य किए गए हैं और ये इतिहास इन कार्यों के आधार पर ही ये पहली बार उत्तराखंड में मिथक टूटा है कि कोई सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो करके दिखाया है, एक नया इतिहास रचा है। दोबारा से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तो केवल इसलिए कि उसके द्वारा घर घर तक जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया गया है, मगर कुछ काम अधूरे रह गए हैं, कुछ अभी शुरू होने हैं, मैं उन सबको करूंगा। इसके साथ साथ जो मैं प्रथम पहले दिन से कहते आ रहा हूं, इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है, यहां के युवाओं को के हाथों को काम देना मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा इस क्षेत्र में जो नशे का चलन बढ़ रहा है उसके लिए मुझे काम करना है, नशे को का जो प्रचलन है उसको समाप्त यहाँ पर करना है। इसके साथ साथ बिंदुखत्ता राजस्व गांव से लेकर इस क्षेत्र में जंगली जानवर और हाथियों के आतंक से लेकर तमाम जो परेशानियाँ हैं उन सब के लिए मुझे काम करना है और सब लोगों के समर्थन से मैं इन सारे कामों को पूरा करूँगा, मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि एक बड़ा चेहरा आपके सामने मैदान पर था और एग्जिट पोल की बात करें तो हरीश रावत के पक्ष में जाते हुए दिख रहा था, पूर्व से आप कितना आश्वस्त थे अपनी जीत के प्रति? देखिए, अगर आप अपना 29-30 तारीख का आप अपना मेरा अगर बयान कहीं पर देखेंगे तो मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन उनको यहाँ से टिकट मिला था, हमने कहा अगर कोई स्थानीय व्यक्ति होता तो हमें चुनौती मिलती, लेकिन अब हम कम से कम 15,000 वोटों से इस सीट को जीतेंगे और वही हुआ। तो हम पहले दिन से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा लंबे समय से मेरा भी संपर्क है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में घर घर कार्यकर्ता है, घर घर पार्टी का संपर्क है और इस वजह से हमें पहले दिन से लग रहा था कि हम भारी अंतर से इस सीट को जीतेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी थे जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जो उनके द्वारा वादे किए गए हैं उन पर वो लगातार कार्य करेंगे और युवाओं के लिए जो रोजगार की बात उन्होंने कही है, युवाओं को रोजगार के लिए भी वो आश्वस्त रहेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लाल।
साथ साथ